अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। इस विषय को लेकर अभी आप देवास एसपी कार्यालय पर पहुंचे थे और जमकर नारेबाजी भी की आप लोगों ने। ये हमारी 14 वर्ष की बालिका दीपिका धाकड़ जो कि आज 17 दिनों से लापता है, उसको पुलिस प्रशासन अभी तक ढूंढ नहीं पाई है और उसी को नाराजगी के चलते हुए हम आज यहाँ आए थे और उसके दीपिका नहीं मिलने के कारण उसके ढूंढते हुए उसके पिताजी ने सुसाइड कर लिया जबकि उनकी मौत हो गई है। ऐसे में परिवार 3 बच्चों के साथ में एक माँ अकेली रह गई है जो अपने परिवार को किस तरीके से पालन पोषण करेगी, वहीं उसकी बेटी की चिंता उसको सता रही है और ऐसे में कहीं उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना ना हो जाए, वो कोई ऐसा हादसा न कर ले, इसलिए दीपिका को जल्दी से जल्दी ढूंढ कर लाने के लिए हम पुनः आवेदन दिया है। इस संबंध में पूर्व में भी 9 तारीख को हमने आवेदन दिया था लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है पुलिस को? जी हाँ, हमने चेतावनी यही दी है कि अगर यहाँ से हमारी बेटी के ढूंढ कर नहीं दिया तो अगला कदम हमारा मुख्यमंत्री आवास पर श्रीमान जी मुख्यमंत्री मोदी को आवेदन दिया जाएगा और वहीं पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक हमारी बेटी ढूंढ कर लाकर न दे। आपने पुलिस से ये भी कहा कि बिल्ली ढूंढ सकते हैं लेकिन बेटी नहीं? हाँ, पुलिस प्रशासन एक बिल्ली को ढूंढ कर लाकर दे सकती है लेकिन हमारी बेटी आज 17 दिन से लापता है उसको ढूंढ कर नहीं दे सकती, बल्कि हमने सारे क्लू पुलिस को दे चुके हैं। अब पुलिस का रवैया कैसा है और लापता बेटी को क्यों नहीं ढूंढ पा रही वही बता पाएंगे। क्या आश्वासन दिया अभी आपको आवेदन का? जल्दी ही ढूंढ कर लाकर देने का आश्वासन दिया है, हमें इसकी आवाज नहीं मिले उसका हमें गम है। आपका नाम? प्रेम नवरंग, मैं दीपिका का मामा हूँ और इस परिवार के साथ हूँ अभी मेरे।